मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र के गांव आजमपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब आजमपुर गांव में सुबह एक साधु का शव गड्ढे में पड़ा हुआ मिला। ग्रामीणों द्वारा साधु की हत्या की आशंका जताई गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल पूरा मामला रिफाइनरी क्षेत्र के आजमपुर का है, जहां सुबह शौच के लिए गए साधु का शव एक गड्ढे में मिला। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने शव की शिनाख्त अड़ूकी निवासी गुलाब गुजर के रूप में की, जो आजमपुर गांव के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना का कार्य किया करते थे। लेकिन सुबह साधु की हत्या हुई या फिर किसी और कारण से साधु की मौत हुई, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि साधु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साधु की मौत हृदय गति रुकने से हुई है। आपका तो ये क्या मामला है, ये जो बाबा का शव मिला है? महाराज मैं आया हूँ सुबह, जैसे महाराज ने कही थी कल जल्दी आ जाना जी, सूरम बनाने का था आज मंगलवार को, तो मैं ठीक है महाराज जल्दी आ जाऊंगा मैं, तो वो अपने रोज की टाइम थी तरह 6 बजे से हमेशा आया था। गेट खुला हुआ मैंने, मच्छरदानी लगी हुई थी बाबा की, तो मेरे बाबा जंगल है गए, तो मैंने ये दोनों तीन साइड हट के बाबा मच्छरदानी पीछे लगा दी। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा मारा यहाँ से, झाड़ू पोछा करने के बाद लेने के लिए आया तो मेरे की इलाज को झाड़ते हैं, जब झाड़ता हूँ अंदर आसन के लिए, मैं गुरुदेव आएंगे चाय बनाएंगे तो वहाँ भी बैठेंगे सीधा आगे आसन पे, तो मैंने झाड़ू गए तो मारे पीछे हमारा बाबा दिखे तो झाड़ू फाड़ू तो मेरे बन गए, जब मैंने उनको उठवा के काटू। बाबा कहाँ पर मिले थे? बाबा बाबा पीछे मिले थे मंदिर। अच्छा तो आप यहाँ क्या करते हैं? मैं झाड़ू मारता हूँ सुबह संध्या आगे सेवा करता हूँ बाबा की। ये किस जगह की बात है? ये मंदिर की बात है। क्या नाम है इस जगह का, क्षेत्र का? ये क्षेत्र आजमपुर में लगे हमारे, आजमपुर में। अच्छा तो आपको क्या आशंका लगती है? भाई शंका तो कसुना मार में आया हो तो मेरे भैया ने बुलाया, मेरे भैया गया तो भैया बोले बीमार बीमार चल, मैंने बीमार की तरह चल संजय को तो सही बता रहे बाबा को। उसके बाद वहाँ कुछ सुना है फिर आए उठा के यहाँ था, फिर उसके बाद भैया को फोन मिलाया इनके, इनको हरवीर को दिन ने सबको फिर फोन मिलाया हुआ। तो महाराज जी का क्या नाम है? भाई गुलाब बाबा, गुलाब दास। आज सुबह करीब 7:30 बजे रिफाइनरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सूचना थी डेड बॉडी की। थाना द्वारा तुरंत से मौके पहुंचकर शव की शनाख्त करवाई गई। शव की शनाख्त गुलाब बाबा के रूप में, जो कि अड़ूकी रहने वाले थे, के रूप में हुई थी, जो कि पिछले 15 वर्षों से आजमपुर के मंदिर में पुजारी के रूप में कार्यरत थे। उनके चेहरे पर थोड़ी चोट के निशान थे और उस समय भी लोगों द्वारा यही बताया गया कि ये जब सोच के लिए सुबह जा रहे थे तो गिर गए और उनके शरीर पर चोट लगने के कारण ही उनकी मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो भी रहा था। उसके बाद उनके घर वालों से तहरीर लेकर सबको पीएम के लिए भेजा गया। पीएम के उपरांत अभी रिपोर्ट में ये क्लियर हो गया है कि उनकी मृत्यु का कारण हृदयघात था, जो कि जब वो शौच करने जा रहे थे उन्हें हृदयघात हुआ और वो नीचे गिरे और उनके चेहरे पर चोट भी आई। और जो अन्य चीज़ें थी उसके बारे में ऐसा कुछ भी अभी संज्ञान में नहीं आया है और आगे की इसी संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।